हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पंकज केसर और आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोल चार्ट। अगर आपने कंट्रोल चार्ट का पहला पार्ट नहीं देखा तो पहले सबसे पहले उसको देखिए, उसके अंदर आप समझ पाएंगे कि कंट्रोल चार्ट क्या होता है। तो इस वीडियो के अंदर हम कंट्रोल चार्ट को आपको बनाना सिखाएंगे। कंट्रोल चार्ट हमारा 7QC टूल का एक इम्पोर्टेंट टूल है और एक SPC का भी एक इम्पोर्टेंट टूल है, तो इसको बनाना आप ध्यानपूर्वक सीखें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमने सीरियल नंबर लिए हैं, ये हमने डेट लिए है, ये हमारी रीडिंग है। तो SPC करने के लिए या फिर कंट्रोल चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको SPC करने या कंट्रोल चार्ट बनाने के लिए कम से कम 100 पीस की रीडिंग लेनी होती है और आपको आप एक बार में 4 सैंपल या 5 सैंपल या 6 सैंपल तक आपको लेने होते हैं। तो मान के चले अगर आप एक दिन में 5 सैंपल लेते हैं तो आपको 20 बार सैंपल लेने पड़ेंगे। यहाँ पर हमने जो सैंपल लिए हैं वो डेट वाइज सैंपल लिए हैं कि आज हमने 5 तारीख को एक सैंपल उठाया, 6 तारीख को सैंपल उठाया, 7 तारीख को सैंपल उठाया। एक सैंपल के अंदर हमारे जो है वो 5 पीस आ रहे हैं इसके अंदर, तो हमने डेट वाइज उठाए हैं हम एक एक बारे में। जैसे हम 5 तारीख को गए तो हमने 5 पीस की रीडिंग ली, 6 तारीख को गए तो हमने 5 पीस की रीडिंग ली। तो सबसे ये बेसिक काम है, आपको रीडिंग कैसे लेनी है ये आपको पता होना चाहिए। तो एक बार में जो रेगुलर 5 पीस बन रहे हैं उनकी रीडिंग लिए, तो हम पहले ही रीडिंग ले चुके हैं तो मैं यहाँ पर सिर्फ उसको पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे अपनी रीडिंग हमने यहाँ पे डाल दी। तो आपको जैसे कि हम 5 तारीख को गए तो 5 तारीख को 5 पीसों की रीडिंग ली, 6 तारीख को गए तो 5 पीसों की रीडिंग ली। इस तरीके से आपको एक डाटा लेना है। इस डाटा को लेने के बाद आपको क्या करना है, आगे हर सैंपल की आपको एवरेज निकाल देनी है। जैसे 5 तारीख का इसका एवरेज निकाल देना, 6 तारीख का एवरेज, इस तरीके से एवरेज निकाल देनी है। तो यहाँ पर एवरेज निकालने के लिए आपको यहाँ पर = को साइन को दबाना है। = के बाद आपको एवरेज लिखना है, AVE। तो जैसे ही आप यहाँ पे लिखोगे एवरेज तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे एवरेज आ जाएगा। आपको यहाँ पे क्लिक करना है 2 बारी। तो इसको क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से इसको सेलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको ये ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर दबा देना है। तो इस तरीके से आपका ये एवरेज निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर ये एक इसका एवरेज निकलेगा, या तो फिर आप बार बार हर एक इसका एवरेज निकालो या फिर आप इसके कॉर्नर पर जाओ और डबल क्लिक करो। तो यहाँ पर सारे एक रो का एवरेज निकल के आ गया। तो इस तरीके से आपको पहले एवरेज निकालना है। इसके बाद अब आपको निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए यहाँ पर आपको दबाना है, किसी भी एक कॉलम पर लेकर जाएं, वहाँ पर आपको एक = का साइन दबाना है। लिखना है STDDEV, STD लिखना है खाली। आपको किसी भी कॉलम पर जाना है, = का साइन दबाना है और लिखना है STD, और यहाँ पर इस तरीके का लिखा हुआ आ जाएगा। आपको यहाँ पे इस वाले पे जाके क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर। फिर जो आपने एवरेज एक्स बार निकाला था, इस सारे के सारे को आपको सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर दबाना है। ये आपका निकला है स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको हम सिग्मा भी कहते हैं। अब आपके पास सिग्मा की वैल्यू आ गई, जिसको स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है, तो आपको X" निकालना है, अपर कंट्रोल लिमिट निकालनी है और लोअर कंट्रोल लिमिट निकालनी है। इसके लिए आपको सबसे पहले ये कॉपी करना है, इसको पेस्ट करना है नीचे। इसके अलावा आपको इसको कॉपी करना है Ctrl+C। इसके बाद आपको यहाँ पे जाके पेस्ट स्पेशल करना है। इसके लिए आपको यहाँ पर जाना है पेस्ट स्पेशल में। पेस्ट स्पेशल में जाने के बाद वैल्यूज को पुट कर देना है। इस तरीके से आपका ये आ जाएगा।
इसके बाद आपको नेक्स्ट कॉलम में लिखना है एक्स डबल बार। और इसके नेक्स्ट कॉलम में लिखना है UCL, जो कि हमारा प्लस 3 सिग्मा है। और अगला नेक्स्ट कॉलम लिखना है LCL। अब आपको इन वैल्यूज़ को निकालना है, तो सबसे पहले आप निकालेंगे x डबल बार। आपको यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन दबाना है, एवरेज लिखना है AB, और यहाँ पर AB लिखते ही आपका ये आ जाएगा। इसके आपको डबल क्लिक करना है और आपको एवरेज x बार को सेलेक्ट करना है और ब्रैकेट को आपको क्लोज करना है और एंटर दबा देना है। ये आ गया आपका x डबल बार। जो आपका x डबल बार है, इसकी वैल्यू जो है कांस्टेंट रहेगी सभी के सभी में। तो आपको यहाँ पे जाना है, इधर जाके आपको F4 को प्रेस कर देना है और दोबारा इस पीछे की साइड पे जाके F4 को प्रेस कर देना है और एंटर कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ कॉर्नर पे जाके डबल क्लिक कर देना है, तो यहाँ सारी की सारी वैल्यू कांस्टेंट आ जाएगी। इसके बाद आपको अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट निकालनी है। अपर कंट्रोल लिमिट निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इज इक्वल टू लिखना है और यहाँ पर आएगा x डबल बार, प्लस का साइन दबाना है, फिर लिखना है 3। इसके बाद जो आपकी सिग्मा की वैल्यू आई थी वो 3 इंटू सिग्मा। सिग्मा जो है आपका क्या आया था, सिग्मा ये आया था, सिग्मा को दबा के एंटर प्रेस कर देना है। तो ये आपकी आ गई अपर कंट्रोल लिमिट। तो इस तरीके से आपकी निकली अपर कंट्रोल लिमिट। तो अपर कंट्रोल लिमिट आपकी फिक्स है, तो आपको यहाँ पर जाना है और यहाँ पर जाके आपको F4 को प्रेस कर देना है। F4 को प्रेस करने के बाद और इधर भी जाके आपको एक F4 को प्रेस कर देना है और आपको एंटर दबा देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर जाना है, इसके कॉर्नर पर जाके डबल क्लिक कर देना है, तो ये आपकी वैल्यू फिक्स नीचे तक आ जाएगी। इसी तरीके से आपको लोअर कंट्रोल लिमिट निकालनी है। लोअर कंट्रोल लिमिट निकालने के लिए आपको इज इक्वल टू करना है, एक्स डबल बार के फर्स्ट कॉलम में जाना है, माइनस दबाना है, 3 लिखना है, इनटू का साइन दबाना है और सिग्मा को मल्टीप्लाई कर देना है। सिग्मा की वैल्यू हमारी ये निकली थी, उसके बाद आपको एंटर दबा देना है। तो ये आपकी लोअर कंट्रोल लिमिट हो गई। अब लोअर कंट्रोल लिमिट भी आपकी फिक्स रहेगी, तो यहाँ पर आपको जाना है, इधर आपको F4 को प्रेस कर देना है और इधर आपको जाके F4 को प्रेस कर देना है और एंटर दबा देना है। अब यहाँ पे जाने के बाद आपको डबल क्लिक करना है। तो इस तरीके से आपका लोअर कंट्रोल लिमिट भी निकल गई। अब इसके बाद आपको क्या आगे करना है, बस इसके बाद हमें बनाना है कंट्रोल चार्ट। कंट्रोल चार्ट बनाने के लिए आपको डाटा को सेलेक्ट करना है। इस सारे के सारे डाटा को आपको सेलेक्ट करना है। डाटा को सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद आपको जाना है लाइन में। लाइन के आपको फट उस पर क्लिक कर देना है और इस तरीके से आपका बन जाएगा कंट्रोल चार्ट। आपका इस तरीके से बन जाएगा। इसके अंदर जो 20 है वो आपका मीन हो गया और ये आपका अपर कंट्रोल लिमिट शो कर रहा है 20.3 और लोअर कंट्रोल लिमिट हमारी है 19.7 जो ये शो कर रहा है। 19.7 जो ये हमारी लोअर कंट्रोल लिमिट है ये शो कर रहा है, अपर कंट्रोल लिमिट 20.3 ये वाली लाइन हमारे को शो करी और हमारा डाटा कहाँ फ्लक्चुएट कर रहा है वो आपको यहाँ से ये शो कर रहा है। इस तरीके से हमारा कंट्रोल चार्ट बनता है। जो डाटा हमने कंट्रोल चार्ट की वीडियो के अंदर लिया था वही डाटा हमारा रेंज चार्ट के अंदर भी है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर डाटा ले लिया, तो यहाँ पर डाटा लेने के बाद आप इधर पुट कर दें, आपको यहाँ पर लिस्ट ऑफ कोफिशिएंट एक्स बार आर चार्ट, ये एक फिक्स डाटा होता है, ये आपको नेट से भी मिल सकता है या फिर आप हमारी वीडियो से भी ले सकते हैं। तो ये एक फिक्स डाटा है। तो जैसे कि आपके अंदर जब हम रेंज चार्ट बनाते हैं, तो रेंज चार्ट के अंदर जैसे हमने 5 तक ये 0 5 तक हमने सब ग्रुप लिया है, तो यहाँ पे D3 की वैल्यू 0 है। 6 तक भी लेते हैं तो भी हमारी D3 की वैल्यू 0 होती है। तो इस चार्ट की भी साथ में हमारे को ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले अब रेंज निकालते हैं। रेंज निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इज इक्वल टू को साइन दबाना है, इसके बाद आपको लिखना है मैक्स। यहाँ पे पहले वाले पे जाके मैक्स का पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपको डाटा को सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको ब्रैकेट को क्लोज कर देना है, फिर आपको माइनस प्रेस करना है, इसके बाद आपको MIN लिखना है,
यहाँ पे पहले वाले पे जाकर डबल क्लिक कर देना है, फिर आपको डाटा को सेलेक्ट करना है और आपको ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर दबा देना है। तो इस तरीके से आपकी रेंज निकल जाएगी। अब आपको कॉर्नर पर जाकर यहाँ पर डबल क्लिक कर देना है, तो इस तरीके से आपकी सारी की सारी रेंज निकल जाएगी। अब इसको निकालने के लिए, रेंज चार्ट बनाने के लिए आपको कुछ फॉर्मूला पता होना चाहिए, जैसे कि सेंटर लाइन के लिए आपके पास जो है आर बार निकालना होता है। इसी तरीके से अपर कंट्रोल लिमिट के लिए आपको निकालना होता है डी फोर आर बार। इसी तरीके से लोअर कंट्रोल लिमिट के लिए आपको यह फॉर्मूला होता है डी थ्री आर। तो आपको ये फॉर्मूले पुट करने होते हैं। तो जैसे कि अब हमें निकालना है आर बार, इसको साइड कर देते हैं थोड़ा सा, यहीं पे लिख देते हैं हम आर बार। तो आर बार के लिए आपको क्या करना है, आपको रेंज की एवरेज निकालनी है। तो यहाँ पे आपको इजिकल टू को साइन दबाना है, लिखना ए बी और यहाँ पर एवरेज आया। एवरेज के ऊपर आपको डबल क्लिक कर देना है, इसके बाद आपको डाटा को सेलेक्ट कर देना है, ब्रैकेट को क्लोज कर देना है और एंटर प्रेस कर देना है। तो इस तरीके से आपकी एवरेज आ जाएगी। अब यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में जा, आपको यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में जाना है। फर्स्ट कॉलम में जाने के बाद आपको यहाँ पर आपको F4 प्रेस करना है और इधर भी आपको F4 प्रेस करना है और एंटर दबा देना है। इसके बाद आपको कॉर्नर पर जाना है, कॉर्नर पर जाके आपको डबल क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आपका आर बार भी निकल जाएगा। इसके बाद आपको निकालनी है अपर कंट्रोल लिमिट, अपर कंट्रोल लिमिट UCL और बाद में उसके निकालनी है आपको LCL। तो जैसा कि आपको अपर कंट्रोल लिमिट का फॉर्मूला पता है D4 आर बार, तो हमारा D4 क्या है, तो यहाँ पर हमें देखो D4 इंटू में आर बार कर देना है। तो हम इजिकल टू दबाएंगे, इजिकल टू के बाद हम D4 पे चले जाएंगे या फिर हम D4 की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो जैसे कि D4 की वैल्यू हमारी हैगी यहाँ पर 5 के लिए 2.12, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2.12 इंटू में करेंगे आर बार इंटू आर बार, हम जाएंगे आर बार के ऊपर और हम यहाँ पे एंटर दबा देंगे। तो ये हमारी अपर कंट्रोल लिमिट आ जाएगी। अब अपर कंट्रोल लिमिट भी हमारी फिक्स रहेगी, तो अपर कंट्रोल लिमिट यहाँ पे हम जाएंगे फॉर्मूला में, यहाँ पे हम दबाएंगे F4 और यहाँ पर भी हम F4 दबाएंगे। इसके बाद हम एंटर दबा देंगे, यहाँ कॉर्नर पर जाके हम डबल क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी अपर कंट्रोल लिमिट आ जाएगी। अब इसी तरीके से हमारे को लोअर कंट्रोल लिमिट निकालनी है। लोअर कंट्रोल लिमिट के लिए हम, अब जैसे कि हमारी 5 का हमने सब ग्रुप लिया हुआ है, तो 5 के सब ग्रुप के अंदर हमारी D3 की वैल्यू क्या है, 0, और हमारे को उसका फॉर्मूला क्या पता है, D3 आर बार। तो हम यहाँ पे 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई कर, D3 आर, तो 0 से हम किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो 0 इंटू दिस, यहाँ पर इजिकल टू का साइन दबाते हैं, 0 इंटू दिस करते हैं और एंटर करते हैं, तो ये हमारा जितना भी है सारा का सारा 0 हो जाएगा। तो ये हमारी लोअर कंट्रोल लिमिट निकली आई। अब यहाँ पर हमारे पास ये सारा का सारा डाटा निकल के आ चुका है। इसके बाद हमारे को ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको ये सारे के सारे डाटा को सेलेक्ट करना है। इस डाटा को सेलेक्ट करने के बाद आपको इंसर्ट में जाना है, इंसर्ट में जाने के बाद आपको लाइन पर जाना है और आपको यहाँ पर फर्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आपका रेंज चार्ट बन जाएगा। रेंज चार्ट के अंदर आप क्या कहते हैं, जो मीन है वो 0.06 आ गया है रेंज का, अपर कंट्रोल लिमिट आपकी 0.12 आ गई है और लोअर कंट्रोल लिमिट जैसे कि आपको पता है 0। तो इस तरीके से हमारा रेंज ग्राफ बन जाता है। तो आई होप आपको
रेंज ग्राफ बनाना समझ में आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।